दोस्तों YouTube के ऊपर बिजनेस वीडियोस देख देख करके आप थक चुके हो, तो रुक जाइए, ये वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में शायद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। मैं महबूब शेख दोस्तों इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं, और आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिसकी मैं गारंटी देता हूं कि ये मार्केट में चुटकियों में बिकने वाला प्रोडक्ट है, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक मार्केट में शानदार डिमांड वाला प्रोडक्ट आपको कैसे बहुत सस्ती कीमत में आप खरीद सकते हो, और बस उसको कुछ एक रेसिपी से बना करके आप मार्केट में कैसे सीधा 5 गुना भाव बढ़ा करके आप बेच सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं जो मार्केट में डेफिनेटली चलेगा, और ये प्रोडक्ट को बेच करके दिन की इनकम में ज्यादा नहीं बोलूंगा 2 से 3 हजार रुपया तो आप गारंटी के साथ कमा सकते हो। मैं वादा कर सकता हूं आपसे कि ये वीडियो को अगर आप देखते हो तो ये बिजनेस आइडिया आप करना जरूर पसंद करोगे, और आज के इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूं। पहले हम प्रोडक्ट कैसे आपके लिए कैसा धमाकेदार बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको ये वीडियो शुरू होने से पहले ना 2-4 बातें बताना चाहता हूं जिसपे ये पूरा वीडियो आज का आधारित होने वाला है। आज के वीडियो में मैं जो बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं इसको महिलाएं भी कर सकती हैं। अपने घर से 2-4 घंटे अगर आपके पास में खाली समय होता है तो आप ये बिजनेस को पॉकेट में देख सकते हो। हमने 3.5 लीटर पानी लिया है, ठीक है, क्योंकि हम आधा ही फ्लेवर बना रहे हैं इसीलिए 3.5 लीटर पानी लिया है हमने। उसके बाद हमने इसमें चीनी ली है 3.5 किलो। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए चीनी हमने डाल दी अंदर, हमने चीनी देखो पूरी कंप्लीट डाल दी है 3.5 किलो। उसके बाद हम इसमें फ्लेवर मिक्स करेंगे सर, इसमें सिर्फ आधी बोतल ही डालेंगे हम। ये आधी बोतल हमने डाल दी है, ठीक है सर। ये फ्लेवर को गाढ़ा करता है, ठीक है, इससे टेस्ट बढ़ता है सर। ये दोनों चीज डालना कंपलसरी है आपको, तभी फ्लेवर अच्छा बनेगा। अब जो है सर हमको इसको मिक्स करना है। बिजनेस आइडिया की बात कर रहे हैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको मिल सके इसके लिए हम इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के पास में आए हैं और उनसे हम जानेंगे इस बिजनेस के बारे में। ये हमारे साथ है मिस्टर जावेद। जावेद जी हेलो, नमस्ते। सर आप अपने कंपनी के बारे में पहले कुछ बताइए। मैं नूतन चोला कंपनी में शोरूम मैनेजर हूँ, और हमारी कंपनी 2008 से है। ये हमारी कंपनी गुजरात स्टेट में भावनगर सिटी में लोकेटेड है, और हमारी कंपनी का जो एड्रेस है नूतन चोला का है टेकरी चौक में, टेकरी चौक के अंदर है, 11, 12 और 13 प्लॉट नंबर के अंदर है, और 24 और 25 नंबर वो भी प्लॉट नंबर हमारा ही है। अच्छा, तो और सर आपके आपके जो कंपनी है वो किन किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है? हमारी जो कंपनी है ये पाउच पैकिंग मशीन है, फिर कैपिंग मशीन है, जूसर मशीन है, फिर फाउंटेन मशीन है, बॉटलिंग प्लांट है, डीप फ्रीजर है, विजी कूलर है, फिर कैंडी प्लांट है, सॉफ्टी मशीन है, वैसे 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करती है हमारी। ओके, और आज जो आप बिजनेस आइडिया लेकर के आए हैं आपको क्या लगता है कि मार्केट में वो कितना चलेगा? मैं आज ये जो पाउच पैकिंग मशीन है उसका आइडिया लेकर आया हूँ इसका बिजनेस का, और ये जो मशीन है उसमें आप आराम से आप जो लागत लगाते हो उसका आप 3 से 4 गुना पैसा कमा सकते हो। अच्छा, 3 से 4 गुना? हाँ। यानी कि अगर कोई बंदा मान लीजिए कि 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके काम करता है तो उसमें कितना कमा सकता है? उसमें वो 3 से 4 गुना ज़्यादा कमा सकता है, 3 से 4 गुना सीधा मुनाफा जो है डबल कर सकता है। और ये मशीन के बारे में कुछ बताइए सर, कैसे आपने बनाया है, क्या किया है? ये जो मशीन है जी कॉम्पैक्ट बॉक्स में हमने बनाया है, बहुत ही छोटा मशीन है, आप कहीं पर भी घर पे भी लगा के आप काम कर सकते हो। हाँ हाँ। ये जो मशीन है इसमें ये जो ऑन ऑफ की स्विच है आप देख सकते हैं, ये अभी ऑफ हुआ है जी, इसको मैं ऑन करता हूँ। अच्छा, ये हमारा डिजिटल पैनल है, आपको कितना ML आपको जूस निकालना है, पाउच में भरना है, होटल में भरना है, उसको आप सेट कर सकते हो। अगर आपने ये जो डिजिटल पैनल है उसमें आपने जितना ML सेट कर लिया है उतना जो आपको जूस निकालना है, तो ये आपको सेट करने के बाद पाउच यहाँ पे लगा देना है, और ये जो लाल वाला जो प्रेस बटन है जी उसको आपको प्रेस करना है तो उतना ML भर जाएगा। अच्छा, पाउच भरता है उसके बाद आपको ये जो सीलर है उसमें आपको ऐसे रख के उसको सील कर देना है। Okay. मैं आपको डेमो करके भी दिखाता हूँ। जी जी दिखाइए।
दोस्तों अभी आप देखिए लाइव डेमो आपके सामने हो रहा है इस प्रोडक्ट का, आपको पता चलेगा कि ये मशीन से काम करना जो है वो कितना आसान है। मैं अभी आपको डेमो करके दिखाता हूँ। सर ये कितने एमएल का पाउच है? ये 100 ml का पाउच है, पाइनएप्पल फ्लेवर का। हाँ, पाइनएप्पल फ्लेवर का। अच्छा, 100 ml का पाउच है, इसको ऐसे लगाना है। जी, लगाने के बाद में सर? ये लगाने के बाद आपको उसका ml जितना है वो सेट करना है। अच्छा, ये देखो अभी मैंने सेट कर दिया है 1.8। हाँ, और ये जो लाल बटन है, हाँ, उसको प्रेस करोगे तो ये जितना भरना है उतना भर जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखो ये अभी भर गया है। अच्छा, ये मतलब ये ऑटोमेटिक भरने के बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है? हाँ, बंद हो जाता है। जितना एमएल सेट करोगे, हाँ, उतना सेट हो गया है, हाँ, तो उतना ही लिक्विड निकलेगा, जूस निकलेगा, उसके बाद वो अपने आप रुक जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अपने आप रुक जाएगा। अभी इसको मैं सील करके भी दिखाता हूँ आपको। अभी आप देख सकते हैं ये पूरा सील हो गया है। अच्छा, ये हमारा प्रोडक्ट दोस्तों आप देख सकते हैं, अब सील होकर के तैयार हो गया है। इतना शानदार प्रोडक्ट बना है सर, ये प्रोडक्ट मार्केट में कितने का बिकता है? ये 5 rupees का पाउच बिकता है। अच्छा, 5 rupees का बिक जाता है ये? हाँ। और बनता कितने में है सर? ये 1.5 to 2 rupees में बन जाता है आराम से। दोस्तों मात्र 1.5 to 2 rupees में ये प्रोडक्ट बन गया है, सिर्फ 1.5 to 2 rupees में ये प्रोडक्ट बन करके तैयार हुआ है, और ये बिकता जो है ये 5 rupees में बिकता है। और सर इसको होलसेल अगर करना हो तो होलसेल कितने में कर पाएंगे हम? होलसेल ये आप 3.5 to 4 rupees में दे सकते हैं। 3.5 to 4 rupees में, यानी कि अगर होलसेल भी आप कर रहे हो तो भी आपको 1.5 to 2 rupees का मुनाफा प्रति पाउच इसमें मिलता है। और सर ये मशीन डेली का कितना पाउच बनाती है? ये डेली का 3 to 4 hazard पाउच बना सकते हैं। डेली का 3 to 4 hazard पाउच, कितना घंटा काम करने के बाद? ये 8 to 9 hours आप काम करोगे तो इतना पाउच आराम से बनाएगा। यानी कि अगर आप 4-5 hours भी करते हो तो भी आप 2000 तो पाउच बना लोगे। और प्रति पाउच 2 rupees, यानी कि 2000 pouch बेच करके आप 4000 rupees की अर्निंग कर सकते हो। कर सकते हो सर। इसमें कितने फ्लेवर आते हैं? इसमें 40 के अलग अलग फ्लेवर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर रखे हुए? हाँ, यहाँ पर रखे हुए। ये देखिए, ये लीची है। अच्छा, ये लीची फ्लेवर है? हाँ, ये लीची फ्लेवर है। ये गुआवा है, गुआवा फ्लेवर। ओके, ये ऑरेंज है। अच्छा, और पाइनएप्पल है, और दूसरी तरह के जो सब फ्लेवर्स आते हैं सब हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। और सर ये फ्लेवर बनाने का रेसिपी क्या होता है? ये फ्लेवर बनाना है, उसमें जो फ्लेवर आता है जी, उसके साथ उसका पाउडर आता है जो, हाँ, उसको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। अच्छा, और उसको थोड़ी चीनी मिलानी रहती है बस। बस, और कितना बनता है सर इसमें? इसमें 48 liters बनता है। 48 liters, यानी कि तकरीबन 50 liters बन जाता है ये एक बॉटल से। एक बॉटल से। और ये बॉटल का जो साइज है केवल 500 ml है। हाँ, तो 500 ml से दोस्तों आप सीधा सीधा 50 liters का जूस बना सकते हो और ये बिजनेस को कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने अलग अलग फ्लेवर्स के पाउच यहाँ पर रखे हुए हैं, कितने अलग अलग फ्लेवर्स के पाउच यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो सर, ये कौन से पाउच है सर? ये 200 ml का पाउच है, 200 ml क्वांटिटी में है। और इसमें सर कैप भी लगा हुआ है। हाँ, इसमें जो यहाँ से आपको पाउच भरना होता है, अच्छा, इसको यहाँ से लगा देना है। हाँ, और आपको 200 ml सेट करना है, ये भर जाएगा। ये जो कैप दिया है ये जब कस्टमर पाउच सर्व करेगा तब उसको ओपन करना है। अच्छा, और कितने टाइप के सर पाउचेस वगैरह आते हैं? पाउच इसमें छोटे भी आते हैं ये टाइप के। ये कितने एमएल का है सर? 50 ml का है। आप अच्छा, देख सकते हैं। ये पाउच दिखने में तो सर बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है। हाँ दोस्तों, मार्केट में सारे आप देख सकते हो, सारे प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से सेल हो सकते हैं। और सर इसका प्रोडक्ट का टेस्ट भी बहुत बढ़िया बनता होगा। हाँ, बहुत बढ़िया बनता है। ये फ्लेवर कहाँ से प्रोवाइड होते हैं सर? ये फ्लेवर जो है हम लोग ही बनाते हैं, हमारी आपकी कंपनी बनाती है। अच्छा, और सर अभी ये जो सामान यहाँ पर रखा हुआ, जैसे मशीन अगर कोई लेता है तो साथ में उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए। हाँ, तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? रॉ मटेरियल भी यहाँ से ही मिलेगा। अच्छा, और अगर कस्टमर कहीं दूर है जी, तो उसको उसकी जो नजदीकी कंपनियां रहती है हम लोग उसको जो नंबर भी प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, कि हम अगर हमारे यहाँ से उसको जो दूर होता है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा उसको बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो हम लोग उसको डायरेक्ट कंपनी का नंबर दे देते हैं। अगर वो बल्क में ऑर्डर देता है तो उसको सस्ता भी होता है। अच्छा, और सर इस मशीन के साथ में आपने बताया था कि आप कोई फ्री किट दे रहे हैं। हाँ, तो क्या दे रहे हैं सर आप किट में? ये जो मशीन है उसके साथ एक तो सीलर आता है। अच्छा, ये हैंड सीलिंग मशीन? हाँ, हैंड सीलिंग। ये बिल्कुल फ्री है सर? हाँ, जो मशीन के साथ ही फ्री आता है। अच्छा, उसके साथ 2000 pouches है। अच्छा, 4 तरह का फ्लेवर है। हाँ, ये प्रिजर्वेटिव है, इंक है,
उसका डेट कोडिंग है, फिर ये जो बैग है पैक करने के लिए आता है, अच्छा ये सब वो फ्री आता है उसके साथ। अच्छा, ये सारा सामान साथ में बिल्कुल फ्री आता है। और सर इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत है 14,000। 14,000 रुपये, 14,000 रुपये में आप ये जो है अपने घर पे मंगवा सकते हो और आप अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों आज के तारीख में 14,000 रुपये में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। आप देखिए मशीन कितना कॉम्पैक्ट है, आप इसको एक कुर्सी पर रख करके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ के भी काम कर सकते हो। हाँ। और आप जमीन पर रख करके भी इसको काम कर सकते हो, एक टेबल पर रख के काम कर सकते हो, आपके घर में थोड़ी सी भी जगह होगी ना तो भी आप इस मशीन को रख कर काम कर सकते हो। और जैसे सर ने बताया, एक मशीन हैंड सीलिंग मशीन 2000 पाउच, 4 फ्लेवर, डेट कोडिंग स्टैंप, इंक, प्रिजर्वेटिव, 200 ml के सैंपल पाउच, इसके साथ में बंच पैकिंग प्लास्टिक और डिस्प्ले स्टैंड, ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। यानी कि काफ़ी अच्छा खासा सामान आपको यहाँ पर फ्री मिल रहा है। तो अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आपको बस कॉल करना है और आप ये मशीन के बारे में सारी जानकारी इनके पास से ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। धन्यवाद।